दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद आईएसआईएस के आतंकी को पकड़ा। आतंकी के पास से 2 आईईडी बरामद। आतंकी अबू यूसुफ से 30 किलो विस्फोटक और पिस्टल बरामद। बाइक पर सवार होकर जा रहा था। मुठभेड़ के दौरान 3 राउंड की फायरिंग। अबू यूसुफ से आईबी इंटेलिजेंस के अधिकारी कर रहे हैं पूछताछ। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में 6 जगहों पर छापे। दिल्ली में बड़े वारदात को अंजाम देने के फिराक में था आतंकी। एनएसजी की टीम आईईडी को डिफ्यूज करने में जुटी। दिल्ली के धौलाकुआं से स्पेशल सेल ने आतंकी को किया गिरफ्तार। शुक्रवार रात 11:30 बजे किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार आतंकी का नाम अब्दुल यूसुफ, यूपी के बलरामपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। आतंकियों ने दिल्ली में लोन वुल्फ अटैक की रची थी साजिश। दिल्ली और आसपास के इलाके में आतंकियों के छुपे होने का शक। दिल्ली में आतंकी यूसुफ को जरूरी सामान और ठहरने के लिए घर देने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस समेत कई इलाकों में पुलिस कर रही छापेमारी। आतंकी यूसुफ अब्दुल को गिरफ्तार करने के बाद यूपी में अलर्ट। दिल्ली पुलिस की टीम यूपी के बलरामपुर में कर रही छापेमारी। यूपी के बलरामपुर में आतंकी के संपर्क में रहने वाला एक संदिग्ध फरार। बलरामपुर में चेकिंग बढ़ाई गई। राम मंदिर के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश। खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए हिंदू नेताओं पर हमले करा सकती है आईएसआई। पंजाब के तरनतारन में पाकिस्तान से सटे सीमा पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। घुसपैठ की कोशिश के दौरान 3 संदिग्ध को बीएसएफ ने किया ढेर। मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 राइफल और संदिग्ध पीठ बैग भी मिला। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षाकर्मियों ने 2 और 3 आतंकियों को घेरा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे गए। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। सीबीआई की टीम फिर पहुंची बांद्रा पुलिस स्टेशन। मुंबई पुलिस अधिकारियों से कर सकती है पूछताछ। गेस्ट हाउस में सीबीआई कर रही है सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ। खुदकुशी के दिन सुशांत के घर में ही था सिद्धार्थ पिठानी। सुशांत के शरीर पर कैसे आए चोट के निशान, इसकी जांच के लिए एम्स की फॉरेंसिक टीम सीबीआई की करेगी मदद। मुंबई में आज सीबीआई की टीम उस घर में सीन रिक्रिएट कर सकती है जहां सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल से 5 घंटे पूछताछ। कूपर हॉस्पिटल में सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से मिलेगी सीबीआई। सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठ रहे हैं कई सवाल। सीबीआई की तीसरी टीम दीपेश सावंत, राजेश रजत मेवाती और चाबी वाले से आज करेगी पूछताछ। 14 जून को क्या क्या हुआ था इस पर सीबीआई करेगी सवाल जवाब। पालघर में संतों की हत्या की सीबीआई जांच की मांग। महाराष्ट्र पुलिस की जांच पर संत समाज संतुष्ट नहीं। देश दुनिया में आज मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में की गई गणेश जी की भव्य आरती। देशभर में गणेश चतुर्थी की धूम। घर घर विराजे बप्पा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुंबई के मशहूर लालबाग में राजा गणपति पंडाल में बप्पा की पूजा नहीं, पंडाल में प्लाज्मा और ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया। पुणे के दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर में भी विराजे गए गणपति बप्पा। कोरोना के कारण बप्पा के लिए अलग नहीं बनाया गया पंडाल। दिल्ली के द्वारका में भी श्री सिद्धि विनायक मंदिर में एक श्री गणेश जी की विशाल मूर्ति की पूजा अर्चना। भक्तों को बिना ही गणेश जी की आरती की। गुजरात के सूरत में तैयार की गई है इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति। डॉक्टर ने ड्राई फ्रूट से गणपति बप्पा की मूर्ति बनाई। गणपति उत्सव के लिए बड़ी हस्तियों ने दी शुभकामनाएं। महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। जयपुर में गजानन के स्वागत के लिए सिंजारा महोत्सव। गणपति और रिद्धि सिद्धि को अर्पित की गई मेहंदी। छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक परिवार में 20 वर्षों से बन रहा है इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति और इस बार छोटी मूर्ति ज्यादा मांग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ऑनलाइन बिक रही है गणपति की मूर्ति। कोरोना के चलते लोग बाजार जाने से कर रहे हैं परहेज। मुंबई समेत ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिले में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 24 घंटे का अलर्ट जारी किया। बिहार के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित। 5.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बाढ़ की वजह से अब तक 27 लोगों की मौत। बिहार के नौगछिया इलाके में कोसी नदी का लगातार बढ़ रहा है पानी। तेज लहर के चलते लोगों का नाव से निकलना मुश्किल। जयपुर में 14 अगस्त को ही तेज बारिश का अभी तक दिख रहा है असर। घर के बाहर खड़ी कई गाड़ियां मलबे में दब गई। मलबा हटाने में हो रही देरी से लोग नाराज। उत्तराखंड में बारिश ने बढ़ाई है परेशानी। यूपी के कई जिले बाढ़ से प्रभावित। उत्तराखंड में ने बरसाती नालों में भी बढ़ाए चिंता। जम्मू के कठुआ जिले में दिखा नदी का रौद्र रूप। देखते ही देखते पानी में फंसी कार। ड्राइवर ने वक्त रहते बचाई अपनी जान। तेलंगाना के कई जिलों में बारिश बनी आफत। नदी में पानी का जलस्तर बढ़ा। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान। पाकिस्तान को अच्छा भाई और अच्छा साझेदार बताया। भारत के खिलाफ नए मोर्चे खोलने की तैयारी में चीन। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सीमा पर भी चीन कर रहा है साजिश। चीन पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का भारत विरोधी बयान। कहा पूर्वी लद्दाख में भारत ने एक तरफा कार्रवाई की।
पीओके के दरियाल में पाकिस्तानी झंडा उतारा गया, एक्टिविस्ट को घसीट कर ले गए चरमपंथी और पुलिस के जवान। फेसबुक पर कांग्रेस के आरोप का जवाब, पूर्वाग्रह का आरोप अविश्वसनीय, फेसबुक इंडिया ने खुद को निष्पक्ष बताया। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव समय पर होने के संकेत दिए, विधानसभा और उपचुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन जारी। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन और जमानत राशि कर सकते हैं जमा, दो लोग और दो गाड़ियों की इजाजत। पश्चिम बंगाल बीजेपी का बयान, बंगाल में तालिबान जैसे हालात, बांग्लादेश बनाने की कोशिश। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर, अभी भी वेंटिलेटर पर ही रखे गए हैं, पिछले हफ्ते सर्जरी के बाद बिगड़ी थी हालत। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से राज्य सरकार को 10 करोड़ रुपए दिए जाने का मामला, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जारी किया नोटिस। दिल्ली दंगों में अब यूएपीए के तहत होगा मुकदमा, गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को दी चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी। एक बार फिर दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम को लाने असम पहुंची दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, सोमवार तक दिल्ली लाया जा सकता है शर्जिल इमाम। यूपी विधानसभा के सत्र में विपक्ष का जोरदार हंगामा, वेल में बैनर लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने किया हंगामा। मेरठ में एसटीएफ और पुलिस की ने एनसीईआरटी की 35 करोड़ की नकली किताबें बरामद की, यूपी उत्तराखंड और दिल्ली में सप्लाई करते थे। बस्ती में चिकित्सा प्रभारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा, सीएससी पीएससी ने चिकित्सा प्रभारियों ने डिप्टी सीएमओ को सौंपा मांग पत्र। कानपुर में अपराधी और माफियाओं पर बड़े एक्शन की तैयारी, 25 अपराधियों की संपत्तियां जब्त करेगी पुलिस। कानपुर लव जिहाद मामला, पुलिस के हाथ अभी भी खाली, लड़की के भाई का आरोप, लव जिहाद गैंग वालों ने बहन को बहकाया। वीकेंड लॉकडाउन पर में भी खुली रहेगी खाद बीज और कीटनाशक की दुकानें, यूपी सरकार की किसानों को राहत। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की कायापलट की तैयारी में उत्तराखंड सरकार, इको पार्क समेत कई योजनाओं पर काम शुरू। बेंगलुरु में व्हाट्सएप कॉल पर महिला को ट्रिपल तलाक, इंदौर पुलिस ने मामला दर्ज किया, बेंगलुरु पुलिस ने उल्टा महिला पर ही दर्ज किया एफआईआर। भोपाल में व्हाट्सएप पर ट्रिपल तलाक मामले पर सीएम शिवराज सिंह ने लिया संज्ञान, कहा बहन को दिलाऊंगा न्याय। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अवैध हथियार की फैक्ट्री का पर्दाफाश, पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में बालाघाट में बैलगाड़ी पर हुआ बच्चे का जन्म, कीचड़ और दलदल की वजह से गांव तक नहीं पहुंच पाया एम्बुलेंस। बैतूल में महिला की उसके घर के सामने ही दबंगों ने की पिटाई, 4 दिन बाद थाने में दर्ज की गई एफआईआर। लॉकडाउन के पहले गलत ट्रेन में बैठा खंडवा पहुंचा छत्तीसगढ़ का बुजुर्ग, एक युवक ने गूगल मैप के जरिए खोजा बुजुर्ग का घर। आज से 2 दिनों की बिहार में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक, वर्चुअल बैठक की शुरुआत दोपहर 2 बजे, 76 लाख कार्यकर्ताओं को मिलेगा संदेश। झारखंड के सिमडेगा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने गिरोह के एक अपराधी को मार गिराया। जयपुर में 3 कॉलोनियों में 1 सप्ताह के बाद भी नहीं हटी बारिश के साथ आई मिट्टी, 7 फीट ऊंचे ढेर के बीच गुजार रही है जिंदगी लोग। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन, लोगों ने कहा स्कूल नहीं तो फीस नहीं। दौसा में दिखाई दिया दुर्लभ प्रजाति का पीले रंग का कछुआ, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, वन विभाग की टीम ने जंगल में सुरक्षित इलाके में छोड़ा। बीकानेर में पुलिसकर्मी ने दिया ईमानदारी का परिचय, नकदी और सोने का बैग महिला को लौटाया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ एसीबी की बड़ी कार्रवाई, सेंट्रल जेल का कंपाउंडर 34,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। कोरोना के चलते पंजाब हरियाणा के बाद अब चंडीगढ़ में भी वीकेंड लॉकडाउन, प्रशासक के सलाहकार पर मनोज परीरा का ऐलान। देश में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 69,878 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 975 की मौत। वहीं देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 29,75,702 हो गई है। हरियाणा सरकार ने शनिवार को और रविवार को लॉकडाउन का फैसला किया है, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ट्वीट, लोगों के आने जाने पर रहेगी पाबंदी। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का दर 90% से ज्यादा हुआ, पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1,250 नए मामले आए। महाराष्ट्र में कोरोना के 14,161 मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 339 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,406 नए केस आए हैं, इस दौरान मुंबई में 42 लोगों की मौत हुई। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, फेसबुक के जरिए शारदा सिन्हा ने खुद दी जानकारी। नौकरी जाने वालों को बेरोजगारी भत्ता देगी सरकार, 3 महीने तक मिलेगी आधी सैलरी, ईएसआईसी के तहत रजिस्टर्ड एम्प्लॉय को फायदा। लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत, जून में संगठित क्षेत्र मिली 6,55,000 नौकरियां। स्लो इंटरनेट स्पीड से परेशान है सरकार, ब्रॉडबैंड स्पीड बढ़ाने पर ट्राई का फोकस। अब नेपाल में भी सामान बेच सकेंगे फ्लिपकार्ट के विक्रेता, और फ्लिपकार्ट ने नेपाल की ई कॉमर्स कंपनी सस्तो डील से किया करार। फेसबुक सीईओ जुकरबर्ग की संपत्ति 100 अरब डॉलर के पार पहुंची, बने दुनिया के तीसरे सबसे। इमरान खान को कोसने वाले मियादाद ने भतीजे फैजल इकबाल के कोच बनते ही माफी मांगी, कहा मैं प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं।
क्रिकेटर रोहित शर्मा को मिलेगा खेल रत्न, पहलवान विनेश फोगाट और हॉकी प्लेयर रानी को भी सम्मान मिलेगा। बीसीसीआई ने देश के सबसे बड़े खेल अवार्ड के लिए चुने जाने पर रोहित शर्मा को बधाई दी है, कहा हमें आप पर गर्व है। सुरेश रैना ने अंबाती रायडू की तारीफ की, कहा अगर रायडू 2019 वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा होते तो भारत जरूर खिताब जीतता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, 2020 के राष्ट्रपति पद के चुनाव परिणाम में महीनों लग सकते हैं। चीन के हमले के बढ़ते खतरे को देखते हुए ताइवान ने रक्षा बजट में किया भारी इजाफा, 42.1 अरब डॉलर का हुआ ताइवान का रक्षा बजट। अमेरिका कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग, हजारों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर। पश्चिमी अफ्रीका देश माली की राजधानी बमको में बड़ा सम्मेलन, तख्ता पलट के बाद राजनीति पर चर्चा। लेबनान के बेरूत में हुए धमाके में आधे से ज्यादा शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया है, ड्रोन की मदद से ली गई तस्वीरों में दिखे धमाके के बाद हालात। अमेरिका के टेक्सास में अस्पताल में भर्ती 41 साल के कोरोना मरीज ने की शादी, अस्पताल में स्टाफ ने की शादी की व्यवस्था। अक्षय कुमार ने शेयर किया इनटू द वाइल्ड का टीजर, बेयर ग्रिल्स के साथ जंगल में एडवेंचर करेंगे अक्षय। फिनिशिंग लाइन पर पहुंचकर हुआ हादसा, इस साइकिल सवार को हमेशा याद रहेगा जब वो जीप से चंद दूरी पर रह गया। कार और बाइक एक्सीडेंट की तस्वीरें देखिए, किस तरह से कार की टक्कर से बाइक सवार दूर जा गिरा। डॉगी टेनिस खेल रहा है लेकिन ये क्या, बॉल पकड़ने से के चक्कर में डॉगी पीठ के बल जमीन पर गिरता है। ये जनाब साइकिल से स्टंट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सड़क पर पड़े बारिश के पानी से साइकिल फिसल गई। एक शख्स साइकिल पर पाइप लेकर जा रहा है लेकिन उसकी लापरवाही, पास से गुजर रहे बाइक पर भारी पड़ गई।